जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड के 2D के ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जो ये इस ड्राइंग की हम बात कर रहे हैं, ये कैटिया में भी हमने ड्रॉ करके देखी हुई है, ठीक है। तो आज हम ऑटोकैड में ड्रॉ करके देखते हैं इसको कि ऑटोकैड में आप कैसे इजिली से ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या जो नज़र आ रहा है, एक तो आ रहा है रेडियस आ रहा है 55 का, मीन्स जो सर्कल लगा है वो 55 का, और यहाँ पे जो गैप है वो 5 का, क्लियर। और ये जो बाकी की प्रोफाइल्स हैं ये कैसे बनेगी तो वो देखते हैं अभी हम कैसे करते हैं, क्लियर। तो रेडियस हमें दिया हुआ है 55 का, तो उसके लिए हम यहाँ पे के सी टाइप करेंगे, सर्कल सेंटर पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट लिया, ठीक है। और अभी क्या, 55 डालने से पहले पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीन को जूम ऑल कर लेते हैं, ठीक है। अब दोबारा सर्कल के लिए सी और सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पे अब रेडियस डालते हैं 55 का, क्लियर, ताकि विजिबल हो जाए। पहले क्या था, जूम आउट हो चुका था, तो अभी हमने पूरी स्क्रीन जूम ऑल कर लिया, क्लियर। और उसके बाद हमें क्या करनी है, ऐसे प्रोफाइल्स बनानी है। तो आपने देखने की ये जो ऐसे जा रही है क्लिप्स, ऐसे जा रही है, और एक ऐसे जा रही है, और एक ऐसे जा रही है, ठीक है। रिलेशन देखने आपने, और फिर आप इजिली ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो इसे हम अगर हम इजिली ड्रॉ करें तो सर्कल जो इनके एंड पॉइंट्स हैं तो वो ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे स्नैपिंग ऑफ की हुई है, जैसे कि क्वाड्रेंट की, तो मैं क्वाड्रेंट पे टिक कर देता हूँ, नोट पे भी कर देता हूँ, ज्योमेट्रिक सेंटर पे भी कर देता हूँ, क्लियर। और जैसे कि क्वाड्रेंट पे इस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 55 का, और यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर। फिर स्पेस बार लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 55 और एंटर। ऐसे मुझे क्या करना है, जो चारों साइड आ रही है ना, जो क्वाड्रेंट है, इन सभी पे मुझे 55 ही रखना है और एंटर कर देना। और जो नीचे वाला है यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 55 और एंटर। तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रोफाइल तो नजर आ ही रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो नेक्स्ट लीफ जो हमारे पास बन रही है, ठीक है, जो एक ऐसे बन रही है वो इस तरह जा रही है कुछ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई रेडियस तो हमें सेम ही रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा ही पॉइंट देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने ये वाला ले लिया, और यहाँ पे मैंने 55 एंटर किया, तो एक लीफ मेरी यहाँ पर बन चुकी है, क्लियर। तो एक लीफ मेरे पास बन गई, जब एक बन गई तो बाकी मैं इजिली बना ही रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिम का करेंगे यूज, TR डबल एंटर, ठीक है। सो जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसे आप ट्रिम कर दो, ठीक है। जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट ही हमें रखना, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे कर देते हैं, बाकी सबको यहाँ पे कर देते हैं हम ट्रिम, क्लियर। जैसे इसे भी मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया, तो ऐसे आप इजिली इन्हें सभी को ट्रिम कर देना जो पार्ट आपको नहीं चाहिए। तो एक लीफ तो हमारे पास बन चुकी है, और टोटल लीफ देखनी है तो इसमें कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, ठीक है। तो 6 एंटिटीज क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जो शॉर्टकट है वो एरे का यूज करेंगे। तो AR डबल AR एंटर, हम यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे पोलर एरे, सेंटर पॉइंट लिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उधर ऊपर यहाँ पे आपको 6 शो हो रहा है एंटिटीज में, तो जितनी भी चाहिए वो यहाँ पे आप एंटर कर देना, क्लियर। तो इतना तो हमारा हो गया क्रिएट। उसके बाद क्या है कि ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे जो गैप है वो कितना, 5 का, तो 55 था तो 5 हम कम कर देंगे, ठीक है। तो सर्कल के लिए सी टाइप करेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे, तो 50 लिया था वो, 55 लिया था, तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं 50 का, ठीक है। तो 5 का गैप तो ऐसे ही आ गया। उसके बाद 5 का जो गैप था वो आगे की तरफ ऐसे भी था, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे, तो सेंटर पॉइंट ये लेंगे जो इसका क्वाड्रेंट का था, तो 55 था, 55 में हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। और ऐसे दूसरी साइड हमें करना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जो इसका जो क्वाड्रेंट का है, और इधर भी हम एंटर कर देते हैं 60 का, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्लियर। तो ये वाली प्रोफाइल बन गई, जो पार्ट नहीं चाहिए उसे हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, जैसे कि ये वाला सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, और जो ये वाली एंटिटी है इसे भी हम ट्रिम कर देते हैं। जो भी हमें सिर्फ चाहिए सिर्फ वो ही रखते हैं अभी हम, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये चाहिए, क्लियर। अच्छा, जो बाकी एंटिटीज हैं उन्हें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करके हम इन्हें क्या कर देंगे, सिंपली डिलीट कर देंगे, क्लियर। तो एक हमारे पास ये ऐसी एंटिटी क्रिएट होगी। दोबारा हम यहाँ पे एरे का यूज करेंगे, AR, और सिलेक्ट करेंगे जिन जिन एंटिटीज को चाहिए, पोलर लेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट उधर 6 ही आ रहा है एंटिटीज में, ठीक है, आइटम्स में, तो आप यहाँ पे जितनी भी चाहिए वो कर सकते हो, तो बट मुझे अभी यहाँ पर 6 ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप इजिली ऑटोकैड में 2D के ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आप इजिली कैसे एरे के कमांड के हेल्प से
कोई भी सर्कुलर प्रोफाइल क्रिएट करने वो इजीली कर सकते हो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।